ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। जैसे लास्ट दो स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का डिवीजन कैसे डिवाइड होता है, तो क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है तो वेराइटी ऑफ एनिमल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए जब हम इसके देखते हैं फाइलोजेनी तो सबके अलग अलग व्यूज रहते हैं। तो इस वजह से क्या रहता है कि यहाँ पर एक कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं प्रेजेंट रहता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने आर्थ्रोपोडा को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। किसी ने इसको क्या फाइलम में डिवाइड किया, किसी ने इसको सेवन सब फाइलम में डिवाइड किया, मगर ये जो क्लासिफिकेशन आपको मैं बता रही हूँ, हम जो फॉलो करेंगे इस क्लासिफिकेशन में, फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम चार सब फाइलम में डिवाइड करना बता रहे हैं। तो ये इसमें है कि कौन कौन से चार सब फाइलम है इसमें डिवाइडेड है फाइलम आर्थ्रोपोडा, चेलिसिडाटा, मैंडिबुलाटा, ऑनिकोफोरा और ट्राइबिटोमॉर्फा। तो पहला जो हम इसका देखते हैं दैट इज इसका फर्स्ट सब फाइलम, सब फाइलम पहला वाला कौन सा है, इसका है चेलिसिडाटा। ठीक है, नाउ चेलिसिडाटा का भी फिर फर्दर हम देखेंगे कि इसकी क्लासेस आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों को चेलिसिडाटा का फर्दर क्या करना है, दैट इज कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है। इसके अंदर ही आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, इसमें आपको देख रहे हो क्लासिफिकेशन में कि मीरोस्टोमेटा दिखा रहे हैं हम लोग, देन उसके बाद है नेक्स्ट क्लासेस की एरेक्निडा और थर्ड वाली जो है इसकी पिंगोनिडा। ओके, देन ऑर्डर्स भी बताए हुए हैं इसमें, जैसे आप लोगों को मैंने कि मीरोस्टोमेटा का ऑर्डर कौन सा है, ज़ाइफोसूरा और देन देखना है यू टेरिडा। बट हम लोगों के काम का कहाँ तक है, क्योंकि आप लोगों के कोर्स का कहाँ तक है, सिर्फ क्लास तक ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है, ऑर्डर के हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करना है। फाइलम पहले तो आप लोगों को फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स करना है आर्थ्रोपोडा के जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद सब फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी में जो सब फाइलम है तो, एंड नेक्स्ट जो रहेगा इसका क्लास के जो है आप लोगों को उसके लक्षण बताने हैं। ठीक है, और उसमें फिर एग्जाम्पल्स के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्डर्स के हम लोग लक्षण नहीं देखेंगे, बट क्योंकि लिमिटस जो है आपके प्रैक्टिकल में भी है तो इसलिए आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम होना चाहिए, ज़ाइफोसूरा का क्या लक्षण रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही जैसे एरेक्निडा, एरेक्निडा जो है इसके अंदर स्कॉर्पियोनिडा, स्कॉर्पियोनिडा दैट इज पैलेमनियस। ओके, ये आप लोगों को करना है, फाइन, ये हम लोगों को इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, इवन ये हम नहीं देखेंगे जितने सारे, इतने मैंने आपको 10 इसमें बता रखे हैं, बट हम लोगों का ये कोई भी नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज पाइनोगोनिडा, दैट उसका एग्जाम्पल पाइनोगोनियम। तो बिफोर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट उससे, दैट इज विल सी फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा के फर्स्ट दैट इज सब फाइलम। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं इसमें सब फाइलम चेलिसिडाटा, क्या इसके मुख्य लक्षण है चेलिसिडाटा के। चेलिसिडाटा का जो है इसके अंदर जो शरीर रहेगा किसमें डिवाइडेड रहेगा, सिफेलोथोरैक्स और जिसे हम बोलेंगे प्रोजोमा और एंड एब्डोमन। अब एक्चुअली क्या रहता है कि जब हम इसका विभाजन देखते हैं शरीर का, तो शरीर का विभाजन कैसे रहता है, इनके अंदर डिवाइडेड रहेगा तीन पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये आप लोगों को मालूम है कि शरीर इन तीन भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, हेड मतलब दैट इज शीर्ष आप देखेंगे, और फिर रहेगा इसका दैट इज बॉडी एंड देन इज एब्डोमेन पार्ट। मगर ये जैसे मैंने आपको लिखा बॉडी जो है यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स मतलब कि जब हेड और थोरैक्स रीजन जो इसका रहता है फ्यूज हो जाता है, एक साथ मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। तो फिर क्या आएगा जिसे हम कह रहे हैं सिफेलोथोरैक्स या प्रोसोमा, और जो एब्डोमेन पोर्शन है इसका हम उसे कहेंगे ओपिस्थोसोमा। तो इसमें क्या है, शरीर चेलिसिडाटा में दो में ही विभाजित रहता, प्रोसोमा और एंड ऑपिस्थोसोमा। नहीं तो क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया शरीर कितने विभाजित रहता, तीन भागों में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बट क्योंकि हेड एंड थोरैक्स जो है फ्यूज हो चुका है, इसलिए इसे दो में ही है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन।
नाउ नेक्स्ट इसके हम आते हैं अपेंडिजेस। इसके अंदर उपांग कितने रहते हैं? इसके अंदर 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। किसके अंदर? सब फाइलम चेलिसेराटा का हम पढ़ना है। चेलिसेराटा के अंदर के लक्षणों में सिर्फ 6 जोड़ी ही उपांग पाए जाते हैं। तो जो पहला पैर रहेगा प्रीओरल चेलिसेराटा चेलिसेरी रहेगा, सेकंड पैर जो रहेगा पोस्ट ओरल पेडिपेल्फी जिसे कहेंगे, और जो 4 रहेंगे उसके अंदर वो क्या कहेंगे हम उसके चलने में जो काम आते हैं वो वॉकिंग लेग्स जिसे कहते हैं वो रहेंगे। फिर इसमें जो एंटीना एंटीना एंड जॉस जो रहेंगे वो एब्सेंट रहते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे उसमें एंटीना प्रेजेंट रहता है। एंटीना का क्या कार्य रहता है? दैट इज सेंसेशन रिसीव करने का। बेस्ट एग्जाम्पल उसका आपको मालूम है कॉकरोच, जिसमें एंटीना वेल डेवलप्ड रहते हैं। एंड इसके अंदर क्या रहेगा? जॉस भी एब्सेंट रहते हैं। जॉस मतलब जबड़े। अब रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेशन इसमें बुक लंग के द्वारा होगा, ट्रैकिया के द्वारा होगा या बॉडी सरफेस के द्वारा। नेक्स्ट क्लास हम जो देखते हैं दैट इज, और एक चीज मैं उसमें आपको बताना है भूल गई कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है। दैट इज आप लोगों को फर्दर एग्जाम्पल्स भी देखना, हर क्लास के अंदर मैं एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट इसकी हम जो देखते हैं चेलिसेराटा की क्लास है मीरोस्टोमेटा। ठीक है, तो मीरोस्टोमेटा क्या क्या रहते हैं? जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि सब कुछ किस्में पाए जाते हैं, इसमें सब टाइप के जीव हैं, जल में भी है, नभ में भी है, थल पे भी। तो ये जो है पर्टिकुलरली हम पढ़ रहे हैं मीरोस्टोमेटा जो ग्रुप है, क्लास मीरोस्टोमेटा के अंदर जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं वो कहाँ? वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मैराइन ही रहते हैं, मतलब पानी में ही पाए जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इसका जो रहेगा सिफेलोथोरैक्स जो क्या करेगा? सिफेलोथोरैक्स बेयर करेगा, मतलब इसके सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन में कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। कुछ में मैंने आपको बताया शुरू में कि किसी में सिंपल आई है, किसी में कंपाउंड आई, इसमें जो रहेंगी कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। और जैसा इसका लक्षण पहले ही बता दिया था मैंने आपको चेलिसेराटा का कि इसमें 6 जोड़ी ही उपांग प्रेजेंट रहते हैं, और शरीर किसके द्वारा कवर्ड रहता है? जो काइटिनस कवरिंग रहती है हम उसे कहेंगे कैरापेस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैरापेस। नाउ बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे ल्यूमुलस जिसे हम कहते हैं किंग क्रैब। ओके, फिर इसका अबडोमन पोर्शन जो रहता है उसके अंदर 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने में उसमें रहते हैं? 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो लास्ट पार्ट है उसका जिसे हम कहते हैं टर्मिनल एंड जिससे टेल का रहता है, तो उसे कहेंगे लॉन्ग नैरो टेलसेट। टेलसेट मतलब टेल पार्ट जो रहता है नैरो रहता, पतला नुकीला। रेस्पिरेशन इसमें किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेशन इसके अंदर बुक लंग्स के द्वारा होता है, और ये बुक लंग्स किससे अटैच रहते हैं? अबडोमिनल अपेंडिज से। नेक्स्ट इसका लक्षण जो रहेगा वो देखेंगे किसका है, दैट इज एक्सक्रीशन जो रहेगा ऑक्सिन ग्लैंड से। सेक्सेस इसमें जो रहेंगे सेपरेट रहेंगे, एंड विल से डेवलपमेंट जो रहेगा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्लास जो है क्लास एरेक्निडा। एरेक्निडा ये क्या है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मतलब ये क्या पाए जाएंगे आप देखेंगे लैंड पर ही पाए जाएंगे कुछ, मगर इसमें क्या रहेंगे? एक्वेटिक फॉर्म्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सिफेलोथोरैक्स जो इसका रहेगा उसमें एक पैर चेलिसेरा का प्रेजेंट रहेगा, 1 पैर पेडिपेल्पी, और 4 पैर इसके अंदर वॉकिंग लेग्स चलने के काम वाले चलन उपांग उपस्थित रहेंगे। आईज जो रहेंगी सिंपल रहेंगी, कंपाउंड नहीं रहेंगे, जैसे उसमें आपने देखा था मीरोस्टोमेटा में उसमें कैसे रहती है आईज जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है, दैट इज कंपाउंड। बट इसमें आईज जो रहेंगी सिंपल कंपाउंड नहीं रहती। अबडोमन कैसा रहेगा? अबडोमन पे कोई अपेंडिजेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो रहेगा फोरगट मिडगट और हैंडगट में डिवाइडेड रहेगा, और इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो रहेगा ओपन रहेगा। रेस्पिरेशन जो किसके द्वारा रहता है? हीमोसाइनिन के द्वारा। और इसके सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। एक्सक्रीशन किसके द्वारा था? मालपिजियन ट्यूबुल से और कॉक्सिल ग्लैंड से। नेक्स्ट वी वुड सी कि एग्जांपल्स इसका है दैट इज एरिनिया माइट स्टिक, ये सब एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ। ओके, वी विल सी इन द